दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियों को रद्द करना पड़ा। रेलगाड़ियों के रद्द होने से दुर्ग स्टेशन पर यात्री काफी परेशान नजर आए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर सिंहपुर स्टेशन में मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से आज सफर कर रहे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दुर्ग से बैठने वाले यात्री भी हलाकान रहे। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर आज प्रातः सिंहपुर स्टेशन में कोयला लोडेड मालगाड़ी के सिग्नल ओवरशूट उपरांत इंजन सहित 9 वैगनों के पटरी से उतर जाने के कारण इस मार्ग पर अप डाउन एवं मिडिल तीनों लाइन पर रेल परिचालन अवरुद्ध होने के कारण इस मार्ग पर रेल परिचालन प्रभावित रहा, जिसकी वजह से दुर्ग रेलवे स्टेशन में हजारों यात्री ट्रेन रद्द होने की वजह से स्टेशन परिसर में इधर उधर घूमते नजर आए। वहीं रेलवे पुलिस टीटी और अन्य अधिकारी यात्रियों की व्यवस्था में लगे रहे और यात्रियों को उचित साधन मुहैया कराकर उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की। गाड़ियों के रूट परिवर्तन होने के कारण को स्पष्ट करते हुए मुख्य स्टेशन प्रबंधक जे प्रधान ने बताया कि यात्रियों को पूरी सुविधा के साथ उनकी मंजिल तक पहुंचाने की व्यवस्था रेलवे प्रशासन द्वारा की जा रही है। हमारा जो ये संपर्कांत ट्रेन था उसका जो डाइवर्टर रूट में जाने के लिए जो प्रोग्राम हुआ था, हम लोग दूर और रायपुर जो पैसेंजर है और उन लोग को रेलवे अपना स्पेशल एक लोकल ट्रेन में प्रबंध किया गया है, वहाँ से लेकर आएंगे और यहाँ से लेकर जाएंगे। मेरा ख्याल से तो 90% पूरा सॉल्व हो गया है। हो सकता है अभी तक मैसेज नहीं आया, जो और जो दोनों गाड़ी है सारनाथ और अमरकंटक, हो सकता है वो शाम तक वो अपना नॉर्मल रूट में चल सकता है। क्यों ना कल से वो जीएम साहब, ऑनरेबल जीएम साहब है, सीआरएस साहब है, बड़ा बड़ा अधिकारी साहब साइड में है, हो सकता है आज अभी तो मैसेज नहीं आया, मैं बोलना ठीक नहीं है, फिर भी लग रहा है कि शाम तक नॉर्मल रूट में चलने का चांस है। ये जो सिंहपुर में जो एक ट्रेन खड़ी था गुड्स ट्रेन का और दूसरा गुड्स ट्रेन वो आपका स्पार हुआ था सिग्नल पासिंग अन डेंजर में आकर के टकरा गया था, जिसका कारण से दुर्घटना घटा था और उसके लिए वो तीन लाइन पूरा अफेक्टेड हो गया था, जिसके कारण से वो ट्रेन जा नहीं पा रहा था। और मेरे को उम्मीद लग रहा है कि आज नॉर्मल वे में कुछ ना कुछ गाड़ी चलेगा ही चलेगा। पाठक हैं और पवन पाठक है, और रेलवे की इतनी बड़ी भूल चूक हो रही है कि आज देखिए टिकट कंफर्म करने के बाद भी और उसके बाद स्टेशन आने पर पता चल रहा है कि आपका मार्ग डाइवर्ट किया गया है। ये बताइए सबसे बड़ी रेलवे की इतनी बड़ी गलती है। आप मैसेज के जरिए शो कर सकते थे परंतु नहीं किए उन्होंने, तो ये रेलवे की सबसे बड़ी गलती है। इसके लिए हर भाई आप जितने भी रेलवे यात्री हैं उनके लिए आप तो कुछ तो हर्जाना करना चाहेंगे और आप उनके लिए कुछ व्यवस्था करिए। लेकिन ये तो हादसा तो ये मानवीय क्रिया से हुई है, ना कि हमसे हुई है। यात्री तो नहीं करे हैं हादसा, ये तो रेलवे की कमी से हुई है और रेलवे इसके लिए रेलवे जिम्मेदार है। रेलवे जब हमसे पूरा पैसा लेता है तो रेलवे इसके लिए जिम्मेदार तो रेलवे भी है ना सर। कम से कम हमको जब कटनी तक पहुँचा रहे हैं, जब हम दुर्ग से निकल रहे कटनी तक हमको पहुंचा रहे हैं, हमको शहडोल जाना है और कटनी तक हमको पहुंचा रहे हैं, तो कम से कम हमको कटनी से शहडोल तक के मुआवजा भी दिया जाए। रायपुर निवासी हूँ, मुझे दिल्ली जाना था और बिलासपुर कटनी रोड में कुछ दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन लेट हो जाने के कारण हमको रायपुर से ट्रेन नहीं मिल पा रहा। इस वजह से हमने जो भी टैक्सी भाड़ा करके दुर्ग आना आए हैं और यहाँ से जो भी ट्रेन दिए हैं 2 बजे का समय, उसके लिए हम उस 2 बजे वाली ट्रेन से जाएंगे। तकलीफ़ तो ऐसा हुआ है बहुत, और भी पैसेंजर हैं उनको भी बहुत तकलीफ़ है, जो कि बस से ट्रेन, अब तो ट्रेन रद्द हो चुकी है रायपुर से, तो क्या है कई जो है पैसेंजर अपना ऑटो से बस से वैसे अपने अपने व्यवस्था से आ रहे हैं, उनको तो परेशानी हो रही, हमको भी परेशानी हुई है, फिर भी हम अपने सुविधा अनुसार रायपुर दुर्ग स्टेशन पहुँच चुके हैं। आज मेरा टिकट था संपर्क क्रांति का, जिसमें मेरे को जाना था शहडोल जाना था, तो अभी यहाँ आने पर मालूम चला कि गाड़ी का ना आपका रास्ता है परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे वो बोल रहे हैं कि आपको कटनी जाना पड़ेगा, फिर आपको कटनी से अपनी साधन अनुसार जो भी होगा आपका बस से जिससे भी आप जा सकते हैं, फिर कटनी के मार्ग से आप अपना रास्ता वो देख के उसमें फिर आप आगे जा सकते हैं। जब अभी आया हूँ तो यहाँ पर मालूम चला कि आपका हमारा गाड़ी का ना रास्ता ना डाइवर्ट कर दिया गया है, शहडोल गाड़ी नहीं जाएगी, वो गाड़ी आपका गोंदिया होते हुए कटनी जाएगी। बहुत नुकसान हो रहा है, कल हमको बहुत अर्जेंटली हमको पहुँचना था, गांव पहुँचना था, अब हमको समय लग जाएगा, हमको एक दो दिन तीन जो भी लग जाए उधर घूम के जाना पड़ेगा और जाना अर्जेंट है हमको, ज़रूरी था। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट।